हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस नवरात्रि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हमारे बताए इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। दोस्तों, नवरात्रि में लोग अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत को रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, व्रत के दिनों में कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ लोग केवल जल पीकर ही व्रत करते हैं। 9 दिनों तक लगातार चलने वाले व्रत का आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि आप इस दौरान इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल सही रहेगी। आइए जानते हैं। पहली चीज, तली हुई चीजों का सेवन। उपवास के दौरान आप ज्यादा तेल वाली तली हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें और आप पूरी तरह से खाना पीना कम ना करें। इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आप फलाहार कर सकते हैं और तली हुई कम चीजों का सेवन करें। इससे आपकी सेहत सही रहेगी। दूसरी चीज, नॉनवेज खाने वालों के लिए। जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं इन नवरात्रि के दौरान नॉनवेज नहीं खाते। यदि आप इन नवरात्रि अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अब ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ें आप इस दौरान ना खाएं। आप फल एवं हरी सब्जियां खा सकते हैं जिससे कि आपका वेट कंट्रोल रहेगा और फल लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए, जो महिलाएँ गर्भवती हैं उन्हें इस दौरान व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे उनकी सेहत पर खून की कमी आ सकती है। और जो लोग फेफड़े, लीवर, किडनी या फिर दिल के मरीज हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान इन चीज़ों का सेवन ना करें। यदि आप दिल के मरीज हैं और व्रत रख रहे हैं तो इसके दौरान आप सेंधा नमक और चीनी की मात्रा कम करें। इसके अलावा किसी को भी व्रत के दौरान तले भुने भोजन से परहेज करना चाहिए। भूखे न रहें व्रत के दौरान। आप भूखे बिल्कुल भी न रहें क्योंकि इससे आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है। तो आप इस दौरान फलों का जूस पी सकते हो या फिर फल खा सकते हो जिससे आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो डॉक्टरों का भी मानना है कि जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं वह इन 9 दिनों का व्रत जरूर रखें, क्योंकि यदि आप इन 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो एक्सपर्ट का भी मानना है कि इन दौरान लोगों का 5 से 7 किलो तक वेट जरूर कम हो। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो या आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।